वेलकम बैक। होने वाले रमजान में सारे बच्चे देख सकते हैं, घर बैठे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ जो है इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी आप सब देख सकते हैं। अच्छा जी, आपको बताते चलें, आज मुकाबला है कराची फाउंडेशन का फाल्कन हाउस से। कराची फाउंडेशन से हमारे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने नाम बताइएगा। ग्रेड 9 की ये लाइबा। लाइबा इमामा। इमामा, लाइबा और इमामा तैयारी खूब की है। हाँ, ऑलराइट। थोड़ा सा आगे आपको आना होगा ताकि माइक पर आप जवाब दे सके। फाल्कन हाउस हमारी दूसरी टीम है आज की, हमना, रिजवी और जूबिया शेख। कौन सी हमना है और कौन सी जूबिया है? हमना। ओके ग्रेट। जूबिया, इट इज नॉट जूबिया। ओके, इट्स जूबिया। ठीक है जी, सो आपने भी अच्छी तरह तैयारी कर ली है। यस, राउंड वन का आगाज करते हैं। पांच पांच सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सब सवालों के ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे। 30 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब आपको देना होगा। भरपूर तालियां बजाई जाएंगी अगर सही जवाब होंगे, और कुछ नहीं बजाया जाएगा अगर जवाब नहीं हुआ। नेगेटिव मार्किंग हम नहीं कर रहे इस वक्त, आपको हर सवाल के सही जवाब पर दे रहे हैं 10 पॉइंट्स। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, रेडी। मेरा पहला सवाल है लाइबा सैयद और इमामा आमिर से, कुरान का दिल किस सूरत को कहा गया है? सूरह फातिहा को, सूरह रहमान को या सूरह यासीन को? सूरह यासीन। बिल्कुल ठीक जवाब। फाल्कन हाउस से हमारा सवाल है, जीनत कुरान किस सूरत को कहा गया है? सूरह रहमान, सूरह फातिहा और आपका तीसरा ऑप्शन है सूरह यासीन। कोई यहां से नहीं बताएगा, ठीक है? सूरह रहमान। बिल्कुल ठीक जवाब है, सूरह रहमान को जीनते कुरान भी कहते हैं। ये बताइए सूरह बकरा में कितनी आयात हैं? 286, 299 या 150? 286 is 286, 299 299 और 150 ऑफ कोर्स इज 150, क्योंकि चंद बच्चे ये कहते हैं कि फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता। ये बताइए, आपने कहा 299, गलत जवाब। नो प्रॉब्लम, अब 10 मार्क्स रह गए हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह से आप स्कोर करेंगे। आयतुल कुर्सी कुरान की किस सूरत में है? आयतुल कुर्सी कुरान की किस सूरत में है? पहला ऑप्शन है सूरह बकरा, ये स्माइल बता रही है कि आपको आता है इसका जवाब, जोबिया बहुत मुस्कुराई, सूरह यासीन, और तीसरा है सूरह मुजम्मिल। सूरह बकरा। बिल्कुल ठीक जवाब है, सूरह बकरा में है आयतुल कुर्सी। सवाल है आप लोगों से और कराची फाउंडेशन से जवाब देखते हैं। हजरत आदम अलैह सलाम का लकब क्या है? अबुल बशर, इब्ने आदम, अबुल अंबिया। इब्ने आदम। आप कह रहे हैं इब्ने आदम, किसी बच्चे को इसका जवाब आता है हजरत आदम अलैह सलाम का लकब क्या है? अबुल बशर, इब्ने आदम या अबुल अंबिया? ओके, एक बच्चे ने हमें, आप बताओ। अबुल बशर। आपका नाम क्या है? जी मकारिम। कौन सी क्लास? अरे तुम्हें नाम भी नहीं पता है इसका। हाँ, नाम क्या है? मकारिम। ओके, क्लास सॉरी 4। ए जॉयलैंड की तरफ से बाउंसर के वाउचर मुबारक हो, बिल्कुल सही जवाब है, अबुल बशर कहते हैं। मिसाके मदीना में जिस कबीले को पना देने से रोका गया था उसका नाम क्या था? बनू मुस्तलक, बनू सकीफ या कुरैश मक्का? मिसाके मदीना में जिस कबीले को पना देने से रोका गया था उसका नाम क्या था? बनू मुस्तलक, बनू सकीफ और कुरैश मक्का? कुरैश मक्का। बिल्कुल ठीक जवाब है। फाल्कन हाउस से हमना और जूबिया 10 पॉइंट आगे जा रही हैं। नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल स्कोर। चौधरी रहमत अली का इंतकाल कब हुआ? आपका पहला ऑप्शन है 1947, आपका दूसरा ऑप्शन है 1950 और आपका तीसरा ऑप्शन है 1951। चौधरी रहमत अली का इंतकाल आपको बताना है किस सन में हुआ है। तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1947, 1950 और 1951। 1950। आपका जवाब है 1950, गलत जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल ठीक 1951 है। ऑलराइट, आपसे मेरा सवाल है फाल्कन हाउस से, चौधरी रहमत अली का इंतकाल कहाँ हुआ? अमेरिका में, ईरान में
या फिर इंग्लैंड में? कोई बच्चा नहीं बोले, कौन से बच्चे बोल रहे हैं ये? इंग्लैंड। बिल्कुल सही जवाब है, तालियां कार्लटन हाउस के लिए। हाँ, वो बच्चा कह रहे मैंने सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही दिया था। कैसे पता? बस सब पता है। किस जगह को सूबे सिंध का मरी कहा जाता है? राउंड वन का ये हमारा नवा सवाल है इस वक्त, यानी कि आखिरी सवाल है ये आपसे राउंड वन का। नो प्रॉब्लम, मत घबराएं, अभी राउंड टू में जीत जाएंगी। किस जगह को सूबे सिंध का मरी कहा जाता है? हैदराबाद को, ठट्टा को, या फिर गोरख हिल को? हैदराबाद, ठट्टा, या फिर गोरख हिल, किस जगह को सूबे सिंध का मरी कहा जाता है? हैदराबाद। आपको पता है हैदराबाद में तो इतनी गर्मी होती है, मरी जैसा अगर हमने कहा है तो इसका मतलब कि थोड़ा ठंडा होगा। मींस ना तो ठट्टा ठंडा है, ना ही हैदराबाद है, बल्कि गोरख हिल है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल है आपसे, राउंड वन का आखिरी सवाल है। लफ्ज मिसाफ के मायने बताने हैं, सच्चाई, मुआयदा या ईमानदारी? ऑप्शंस रिपीट। लफ्ज मिसाफ के मायने आपको बताने हैं, सच्चाई, मुआयदा या फिर ईमानदारी? मुआयदा। बिल्कुल ठीक जवाब है, मुआयदा, क्योंकि जब हम कहते हैं मिसाफ मदीना तो इसका मतलब एक अग्रीमेंट यानी मुआयदा। तो जो बच्चा यहाँ से ईमानदारी कह रहा था, गलत जवाब था, और वो बच्चा यही है ना, यही सबसे ज्यादा बोल रहा है। इसके लिए ऐसा करते, थोड़ी देर में इसके इससे कुछ सुनते हैं। ओके जी, 10 पॉइंट्स हैं कराची फाउंडेशन के और फाल्कन हाउस के हैं 50 ना। अब ये हो सकता है कि राउंड टू में, जो कि बजर राउंड है, आप पहले पहले बजर बजाकर और सही जवाब दे दें। बजर अपने चेक कर लीजिए, ऑप्शन सुने बगैर बजर आप नहीं बजाएंगे। अगर आपने ऑप्शन सुने बगैर बजर बजा दिया तो ऑटोमेटिकली आपसे हम नहीं पूछेंगे और दूसरी टीम के पास चला जाएगा ये सवाल। सो बी वेरी केयरफुल एंड द वॉलंटियर्स आर गोइंग टू हेल्प मी टू सो दैट वी डोंट मेक अ मिस्टेक विद द बजर। कौन से पैगंबर हैवानों की बोलियां बोल और समझ लेते थे? हजरत सुलेमान अलैह सलाम, हजरत ईसा अलैह सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? टीम बी, हजरत सुलेमान। बिल्कुल सही जवाब है, हजरत सुलेमान अलैह सलाम। सही से दबाएं आपको, डोंट गेट टेंस। कौन से पैगंबर अपने हुस्न के लिए मशहूर हैं? हजरत इब्राहिम अलैह सलाम, हजरत यूसुफ अलैह सलाम और हजरत ईसा अलैह सलाम? ओके टीम ए, हजरत यूसुफ अलैह सलाम। बिल्कुल ठीक जवाब है, हजरत यूसुफ। ओके, कौन से पैगंबर के सब्र की मिसाल दी जाती है, यानी एग्जाम्पल दिया जाता है कौन से पैगंबर के सब्र की? हजरत आदम अलैह सलाम की, हजरत यूसुफ अलैह सलाम की, या हजरत अय्यूब अलैह सलाम की? जी, हजरत अय्यूब अलैह सलाम। बिल्कुल ठीक जवाब है, फाल्कन हाउस आपका, हजरत अय्यूब अलैह सलाम। कराची फाउंडेशन एंड फाल्कन हाउस, आज इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं होनहार रमजान में। गजवाए बदर कब हुआ? 17 रमजान उल 2 हिजरी, 17 रमजान उल मुबारक 3 हिजरी को, या शव्वाल के महीने में 2 हिजरी? गजवाए बदर कब हुआ? 17 रमजान 2 हिजरी, 17 रमजान 3 हिजरी, या शव्वाल 2 हिजरी? देखते हैं कौन बजर पहले बजाता है और किसका जवाब सही होता है। 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने सही जवाब दिया, और क्वालिफाइंग राउंड से चल रहे हैं, क्वालिफाई करने के बाद आप प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में चले जाएंगे। ऑलराइट जी, टाइम अप हो गया इस सवाल का, कोई बता सकता है मुझे यहाँ से? ओके, जल्दी से, लेट्स से नो, कोई लड़कियां तो जवाब ही नहीं है। 2 हिजरी। 2 हिजरी क्या, हमने 2 हिजरी की 2 डेट्स बताई हैं, 17 रमजान 2 हिजरी, 17 रमजान 3 हिजरी, या शव्वाल 2 हिजरी? चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 17 रमजान 2 हिजरी। बिल्कुल ठीक जवाब है, 17 रमजान 2 हिजरी। जॉयलैंड की तरफ से आपको भी वाउचर दे देते हैं, खूब जाकर एंजॉय कीजिएगा। आपको तो मिल गए कितनी तो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, अब आपने बताना है गजवाए बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70,
17 या 14? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बजर राउंड का, गज़वाए बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? टीम बी, ओके, 70. आपने कहा 70, गलत जवाब है, 14 मुसलमान शहीद हुए थे. यही कहा आपका, आप यही जवाब देने वाले थे. ओहो, ओके. केटू पहाड़ कहाँ वाक़े है? कश्मीर में, गिलगित में या फिर सिंध में? केटू का पहाड़ कहाँ वाक़े है? कश्मीर, गिलगित या फिर सिंध? ओके, गिलगित. बिल्कुल ठीक जवाब है. ये तो बहुत आसान था, पहाड़ तो यहाँ है ही नहीं. कहीं कटी पहाड़ी तो नहीं आप सोचने लगी थी, उसे केटू तो नहीं कहते. ओके, सवाद से क्या चीज बरामद की जाती है? फल, कपड़े या फिर खेलों का सामान? क्वेश्चन रिपीट करें. आई विल रिपीट. सवाद से क्या चीज बरामद की जाती है? अच्छा, लेकिन उन्होंने बजर बजा दिया है, सो दे हर्ड द क्वेश्चन. जी, फल. बिल्कुल सही है, फल वहाँ के मशहूर हैं, बल्कि मेरे ख्याल से वो आड़ू जो है वो भी लगे हुए काफी नजर आते हैं. आप रिकॉर्ड जो पे हैं, उसका जमाना आता है तो सबको तोड़ के खाने की इजाजत भी होती है. हाँ हाँ, फल बिल्कुल ठीक जवाब था. कायद आजम रेजिडेंसी कहाँ वाक़ है? सूबा सिंध आपका पहला ऑप्शन है, इस्लामाबाद आपका दूसरा, और बलूचिस्तान आपका तीसरा. कुडंट हैव बीन इजीयर देन दिस. ओके टीम बी, बलूचिस्तान. बिल्कुल सही जवाब है. कैन यू टेल मी वेयर इन बलूचिस्तान? ज़ियारत. बिल्कुल ठीक बात है, ज़ियारत. ऑलराइट जी, दर्रे खैबर कहाँ वाक़ है? अफगानिस्तान में, ईरान में या फिर पेशावर में? ओके, पेशावर. बिल्कुल ठीक जवाब है, पेशावर. मेरे ख्याल से वो जो बच्चा मुस्तकिल बोल रहा है ना, उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए. वो लाइफलाइन है भाई, लग रहा है लाइफलाइन, तुम्हारा नाम रख देते हैं. किस्सा पानी बाजार कहाँ वाक़े है? बड़ा आसान सवाल है ये, अफगानिस्तान में, इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में? किस्सा पानी बाजार कहाँ वाक़े है? बेटा प्लीज बी क्वाइट, लेट देम आंसर एंड देन फिर हम आपसे पूछेंगे. अफगानिस्तान, इस्लामाबाद या फिर पेशावर? किस्सा पानी बाजार. पेशावर. बिल्कुल ठीक जवाब है, पेशावर. किस्सा फानी इसका नाम क्यों पड़ा पता नहीं, आप लोगों में से किसी को मालूम है कि नहीं? स्टोरी टेलिंग होती थी वहां पर, इसीलिए किस्सा फानी बाजार इसका नाम रखा गया. राउंड टू खत्म होता है, 40 मार्क्स है. ओह, 100. टीम बी यानी फाल्कन हाउस के 100 मार्क्स है. आर वी टेलिंग विद द स्कोरर्स? ओके, और कराची फाउंडेशन, अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट मेक इट. आपके 40 मार्क्स हैं, बहुत सारी तालियां. ये नेक्स्ट राउंड में चले गए हैं. जल्दी से आगे आइए और मुझे बताइए कि हमना और ज़ोबिया आपने कितनी तैयारी की थी. बहुत तैयारी की थी. और ये सब आपके लिए आसान थे सवाल? ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस, वी विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट राउंड. देखते हैं प्री क्वार्टर फाइनल्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है. आपके साथ और लाइबा और इमाम आमिर आपके साथ हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. आप यहाँ आई, हमें यही बहुत अच्छा लगा. नो प्रॉब्लम, एक टीम ने हारना होता है और एक ने जीतना होता है.